हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज जो है 28 तारीख है। तो मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिससे आप स्टैन लीग विन कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको वेस्ट इंडीज़ वर्सेस बांग्लादेश की एक रिवर्स टीम देने वाला हूँ ड्रीम इलेवन की। और मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूँ कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप खोलने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले मैं सोच रहा था कि ग्रुप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँ, ठीक है। अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखता हूँ तो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ग्रुप में डालते हैं जो कि हमारे लिए कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने सोचा है जो लोग सीरियस है, जो लोग करना चाहते हैं या फिर जो लोग लूज हार रहे हैं इलेवन पे, उन लोगों की मदद किया जाए या उन लोगों को जो है थोड़ा बहुत जो है सपोर्ट किया जाए। तो फ्रेंड जो ड्रीम इलेवन की रूल्स है, जो मैं टीम दूंगा उस ग्रुप में जो है 29 तारीख तक आज नहीं दूंगा, मतलब कल से मैं आपको टीम दूंगा, ठीक है। वहीं पे ग्रुप जॉइनिंग का जो कॉस्ट है, ठीक है, ग्रुप जॉइनिंग का कॉस्ट है 100 पर पर्सन, ठीक है। ये 100 पर पर्सन आपको लगभग जो है 1 मंथ तक चलेगा, ठीक है। मैक्सिमम मैं आपको 1 मंथ तक रेगुलर टीम दूंगा, ठीक है। अगर किसी दिन 4 या 5 मैच होगा तो मैं मैक्सिमम तो 1 से 2 टीम ही दे सकता हूँ रेगुलर, ठीक है। 1 मंथ तक आप समझ सकते हो, ठीक है, 1 मंथ तक ही चलेगा। उसके बाद शायद मैं एक ग्रुप जो है क्लोज़ कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वादा किया था तो मुझे निभाना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि अकेले एक ग्रुप को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो जो लोग भी जितने लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। रेगुलर मैं आपको जो है 4 टीम दूंगा, ठीक है। जो रिवर्स टीम होगा, जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था, उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप जो है देख सकते हो। आप पेमेंट करने के बाद ही ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ग्रुप का कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो जितने भी लोग जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर है नीचे, आप मुझे वहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या फिर मैसेज करके आप मुझसे जो है मांग सकते हैं, ठीक है। तो सब लोगों को लगेगा कि ये पैसे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन 100 100 फॉर 1 मंथ ये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप मेरा रिवर्स टीम का अगर आपने अभी तक जो है रिज़ल्ट देखा है तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पैक्ट रहा है हमारा जो रिवर्स टीम था। और बहुत सारे लोगों का जो है उम्मीद हो जो है बढ़ चुका है ग्रैंड लीग विन करने के लिए, जो कि रिवर्स टीम का फॉर्मूला से। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश के बारे में, जो 3rd ODI मैच होने वाला है इस मैच के बारे में। इसके अलावा आपके पास कोई भी जो है अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो फ्रेंड विकेट कीपर पे यहाँ पे आपके पास जो है अराउंड 3 विकेट कीपर अवेलेबल ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं शायद आपको न्यूज़ जो है प्लेइंग 11 दिखा लेता हूँ। तो न्यूज़ है जो एंडर रसल जो रूल आउट हो चुके हैं, उसकी जगह जो है सेल्डन कार्डेल जो कि बॉलर है वो जो है एंडी रसल की जगह जो है रिप्लेस कर चुके हैं। वहीं पे अगर बांग्लादेश की बात करें तो एक पॉसिबल चेंजेस हो सकता है, इनामुल हक दोनों मैच में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, उसकी जगह जो है लिटन दास खेल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंजेस जो है शायद नहीं हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है लिटन दास को हमने लिया है क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने, यानी 2% लोगों ने लिया है। ओपनिंग करेंगे तो हमारे लिए एक फैक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। हालांकि मुस्तफिजुर भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हम लोग रिवर्स टीम के लिए यहीं पे जाएंगे। हमने विकेट कीपर पर बहुत ही बड़ी रिस्क ले लिया है, तो हम लोग अब क्या करेंगे। तमीम इकबाल जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो हम लोग इसे लेंगे। क्रिस गेल एविन लुइस को हमेशा ही लूँगा मैं, क्योंकि दोनों ही जो है इम्पैक्टफुल प्लेयर है। जितना ज़्यादा रन नहीं करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर एक मैच पर रन करेंगे अगर आपके टीम में होगा तो आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सबीर रहमान को मैंने उसका बैटिंग देखा तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है, इसलिए अदरवाइज मैं उसे ले लेता जैसे कि मैंने प्रीवियस 2 मैच पर लिया था, लेकिन इस मैच में मैं उसे नहीं लूँगा। एनामुल के खेलने के तो यहाँ पर डाउट है, आप चाहें तो उसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 4 में से 1 टीम में। वहीं पर आप चाहें तो जैसन मोहम्मद को ले सकते हैं, लेकिन उनका फॉर्म मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए साइमन हारमा जो कि बहुत ही क्लासिक बैटिंग कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये अब आपके लिए बेटर ऑप्शन होंगे। वहीं पे ऑलराउंडर की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने शकीब अल हसन को लिया है जो कि बेस्ट ऑलराउंडर है। वहीं पे मैंने जेसन रॉय और मोहम्मदुल्लाह को मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि फाइनल मैच में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है, तो आपके लिए एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं। वहीं पर बात करें यहाँ पर रूबल हसन, मुस्तफिज़ुर रहमान और देवेंद्र बिसू को लिया। आप चाहें तो
रूबल हसन देतोमन में बहुत ही अच्छे बॉलिंग करते हैं तो इसलिए मैंने इसे लिया। मुस्तफिजुर भी अच्छी बॉलिंग करते हैं इसलिए मैंने उसे लिया है। और जो स्पिनर फ्रेंडली जो पिच होता है उस पर जो है देवेंद्र विश्व अच्छी विकेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे जो है कार्डिल को आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी बहुत रिस्की होंगे। इसके अलावा आप मशरफ़ी मुर्तजा भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, मेहदी मिराज भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है बॉलिंग में, तो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड बात कर लेता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। टीम हमने रिस्की बनाया है तो कैप्टन मैंने यहाँ पे सेफ लेने के लिए शकीब अल हसन को लिया है, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे इवन लुइस को लिया है क्योंकि बहुत ही अटैकिंग प्लेयर है और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप मेरी टीम देखोगे तो टीम बहुत ही बैलेंस है, हालांकि मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा रिस्क लिया हुआ है और अदरवाइज उतना रिस्की टीम नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी टीम है, अगर चल गई तो आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। तो फ्रेंड हमारे लिए आज के एक्सपेक्टर होंगे लिटन दास, हालांकि 100% चांसेस नहीं है इनके खेलने के, लेकिन फिर भी हम लोग इतना रिस्क लेना ही चाहिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।